नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका बापजी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड में और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त आपके साथ मैं हूं योगिता प्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है, लेकिन एक बात आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी को 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल की डबरा, दिमनी और सुमावली 3 विधानसभा सीटें ऐसी जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है और ये जो तीनों सीट है वो कांग्रेस के खाते में चली गई हैं। वहीं आपको बता दें कि इन सीटों पर, तीनों सीटों पर चुनाव लड़ने वाले मंत्री में से 2 मंत्री ऐसे हैं जिनका पदमोह अभी तक भी नहीं छूट रहा है और वह अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नहीं सौंप रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि डबरा सीट से इमरती देवी ने चुनाव लड़ा था। वहीं आपको बता दें कि सुमावली से इंदल सिंह कंसाना और दिमनी सीट से गिरिराज सिंह दंदोतिया ने चुनाव लड़ा था, जिसके बाद ये तीनों को हार का सामना करना पड़ा था। परंतु इंदल सिंह कंसाना ने दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना इस्तीफा दे दिया था, परंतु इमरती देवी और गिरिराज दंदोतिया ने अभी तक अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नहीं सौंपा है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि इन 2 मंत्रियों से अपना पदमोह अभी तक नहीं छूट रहा है। हालांकि आपको बता दें कि नैतिकता यही कहती है कि अगर कोई मंत्री चुनाव हार जाता है तो उसे अपना इस्तीफा सौंपना पड़ता है, परंतु संविधान ऐसा कहता है कि यदि कोई गैर विधायक मंत्री बनता है तो वो अधिकतम 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। यदि अभी इमरती देवी और गिरिराज दंदोतिया अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नहीं सौंपते हैं तो वह 2 जनवरी तक मंत्री रह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य प्रभात झा ने मीडिया से चर्चा करते समय बताया है कि पदमुक्त होना या फिर इस्तीफा देना एक प्रक्रिया है जो कि चुनावों में चलती रहती है, और अगर इमरती देवी और गिरिराज सिंह दंदोतिया इस वक्त अपना इस्तीफा नहीं दे सकते हैं तो आने वाली बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें खुद पदमुक्त भी कर सकते हैं। ये सबकी बड़ी खबर थी जो वॉइस ऑफ एमपी ने आपको दी है, और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे वॉइस ऑफ एमपी पर। धन्यवाद।